वेलकम माय डियर फ्रेंड, टुडेस वीडियो में आज हम लोग डिस्कस करेंगे एक बहुत ही अच्छा टॉपिक, जो कि कैसे हम लोग नाउन से एडजेक्टिव बना सकते हैं, मतलब कि संज्ञा से विशेषण की बनाना। ठीक है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में बात करेंगे और सिर्फ हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट और कहें तो लुसेंट से वर्ड मीनिंग हम लोग पढ़ेंगे आज। ठीक है, और देखते हैं आगे क्या होता है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और हाँ, कभी भी पीछे नहीं हटना है मेहनत करने से, चाहे जितना भी मेहनत करना पड़े, मेहनत करना है तो करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है वर्ड मीनिंग नाउन, जो कि है दैट इज क्राइम। क्राइम मीन्स होता है अपराध। क्राइम से क्रिमिनल, CRIMINAL, क्रिमिनल, अपराधी। क्रिटिक, समालोचक। क्रिटिक, समालोचक। क्रिटिकल, संकटकालीन। क्रिटिकल, संकटकालीन। सीरीज, SERIES, सीरीज में श्रृंखला, सीरियल, श्रृंखलाबद्ध। नेक्स्ट वॉइस, VOICE, वॉइस मीन्स आवाज या कंठ स्वर। और नेक्स्ट वोकल, VOCAL, वोकल मीन्स कंठ स्वर। ये नेक्स्ट सेंसेस, SENSES, सेंसेस, सेंसेस मीन्स समझ, समझ। ओके, सेंसिबल, सेंसेस से एडजेक्टिव बनेगा सेंसिबल या सेंसिटिव, समझदार या भावुक। एंसेस्टर, ANCESTOR, एंसेस्टर, एंसेस्टर मीन्स पूर्वज, एंसेस्टर मीन्स पूर्वज। एंड देन एंसेस्ट्रल, ANCESTRAL, एंसेस्ट्रल, एंसेस्ट्रल मीन्स पैतृक या पुस्तैनी, पूर्वज से पैतृक या पुस्तैनी। नेक्स्ट एनेक्सड, ANXIETY, एनेक्सिटी, एनेक्सिटी मीन्स चिंता या व्यग्रता। एनेक्सियस, ANXIOUX, anxious means उत्सुक या वचन। नेक्स्ट एडेबल, CIDENT, एक्सीडेंट, एक्सीडेंट मीन्स दुर्घटना। नेक्स्ट एक्सीडेंटल, आकस्मिक, एक्सीडेंट से बनेगा एडजेक्टिव एक्सीडेंटल, आकस्मिक। इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी से इकोनॉमिक, आर्थिक या इकोनॉमिकल, मितव्ययी। इकोनॉमी से अर्थव्यवस्था से इकोनॉमिक या इकोनॉमिकल, ठीक है, इकोनॉमी से इकोनॉमिक या इकोनॉमिकल, अर्थव्यवस्था से आर्थिक या मितव्ययी। नेक्स्ट बेनिफिट, लाभ, बेनिफिट, लाभ, बेनिफिशियल, लाभदायक। बॉदर, चिंता या परेशानी, बॉदर, ठीक है, बॉदर मीन्स चिंता या परेशानी। और नेक्स्ट बॉदरजम, बॉदरजम मीन्स दुखदायी, ओके, दुखदायी। नेक्स्ट बॉय, बॉय मीन्स लड़का, बॉयस, लड़के जैसा, बॉयस, लड़के जैसा। ब्राइब, ब्राइब, BRIBE, ब्राइब मीन्स काउंटेबल नाउन की बात यहाँ पे हो रही है। CN मीन्स जैसे कि रिश्वत या ब्राइबेबल, ब्राइब से बना ब्राइबेबल, रिश्वत देने योग्य। और नेक्स्ट BRIBERY, ये वाले ब्राइबरी होंगे, BRIBERY। देन अनकाउंटेबल नाउन, घूस या घूसखोरी, ओके। और नेक्स्ट इसका भी सेम बनेगा, ब्राइबेबल, रिश्वत देने योग्य। सेंटर मीन्स केंद्र, सेंट्रल, केंद्रीय या बीच में। चीर, प्रसन्नता या ढाड़स बंधाना जिसको बोलते हैं, चीरफुल, प्रसन्नतादायक, ओके। क्रॉनिक, क्रॉनिक आई मीन क्रॉनिकल है, क्रॉनिकल मीन्स होता है घटनाओं का क्रमबद्ध लेखा, ठीक है, क्रॉनिकल, CHRONICLE, ठीक है, CLE, क्रॉनिकल मीन्स घटनाओं का क्रमबद्ध लेखा। एंड नेक्स्ट क्रोनोलॉजिकल, काल क्रम के अनुसार, क्रोनोलॉजिकल, क्रोनोलॉजिकल, काल क्रम के अनुसार, इसको क्रोनोलॉजिकल पढ़ेंगे ना। करप्शन, CORRUPTION, करप्शन, करप्शन, भ्रष्टाचार। एंड नेक्स्ट करप्टिबल, CORRUPTIBLE, करप्टिबल, भ्रष्ट करने योग्य। नेक्स्ट नाउन एंड देन एडजेक्टिव, ओके, नाउन से एडजेक्टिव बनाना उसी को आगे देखते हैं हम लोग ना। करेक्शन, CORRECTION, करेक्शन, करेक्शन का मतलब होता है जांच या सुधार। करेक्शन मीन्स जांच या सुधार, CORRECTION, करेक्शन, जांच या सुधार। करेक्ट, CORRECT, करेक्ट, सत्य सही, करेक्ट, सत्य सही। डेकोरेशन, DECORATION, डेकोरेशन, डेकोरेशन मीन्स होता है सजावट। एंड नेक्स्ट डेकोरेटिव, सजावटी, DECORATIVE, डेकोरेटिव मीन्स सजावटी। देन डिसीजन, DECISION, डिसीजन, डिसीजन मीन्स फैसला या निर्णय, ठीक है, डिसीजन, DECISION, डिसीजन का स्पेलिंग देखिएगा, DECISION, डिसीजन, डिसीजन का मतलब होता है फैसला या निर्णय। नेक्स्ट डिसाइव,
D-E-C-I-S-I-V-E, D-E-C-I-S-I-V-E, decisive, means nirnayak, okay. Next, defendant, D-E-F-E-N-D-A-N-T, D-E-F-E-N-D-A-N-T, defendant, defendant ka matlab hota hai muddale ya prativadi. Next, discovered meaning, defensible, D-E-F-E-N-S-I-B-L-E, defensible means bachao karne yogi, ya defensive, D-E-F-E-N-S-I-V-E, defensive means pratirakshatmak, okay, both are same. Here, defensive, D-E-F-E-N-S-I-V-E, defensive means pratirakshatmak, and then defensible means bachao karne yogi, jisko hum log defendant, ye noun hai defendant, defendant se bana defensible ya defensive. Next, deficiency, D-E-F-I-C-I-E-N-C-Y, deficiency ka matlab hota hai abhav, kisi chiz ki kami, jisko abhav bola jata hai, D-E-F-I-C-I-E-N-C-Y, deficiency, deficiency means abhav. Next, deficient, D-E-F-I-C-I-E-N-T, deficient, deficient means होता है अभाव या न्यूनता, किसी चीज की कमी जिसको बोलते हैं ना, deficiency, अभाव, and next, deficient, न्यूनता या कमी, ठीक है. Deliberation, D-E-L-I-B-E-R-A-T-I-O-N, deliberation, deliberation means होता है सोच विचार, deliberation, deliberation means होता है सोच विचार, इसको बोलेंगे deliberate, D-E-L-I-B-E-R-A-T, deliberate means इरादे से किया गया, first of all, मतलब सोच विचार का विशेषण हो जाएगा इरादे से किया हुआ, यानी adjective हो जाएगा इरादे से किया हुआ. Next, dexterity, dexterity, D-E-X-T-E-R-I-T-Y, dexterity, dexterity means निपुणता या चतुराई, dexterity, निपुणता या चतुराई. Next, dexterous, D-E-X-T-E-R-O-U-S, dexterous, चतुर या निपुण, निपुणता से निपुण, ओके, या चतुराई से चतुर, ओके. Dogma, D-O-G-M-A, dogma, मत या उपदेश, dogma, dogma means मत या उपदेश. And next, dogmatic, D-O-G-M-A-T-I-C, dogmatic means पक्के धार्मिक सिद्धांत, dogmatic means पक्के धार्मिक सिद्धांत, D-O-G-M-A-T-I-C, dogmatic, dogmatic means पक्के धार्मिक सिद्धांत. Next, हम लोग देखेंगे doctrine, doctrine, doctrine means होता है सिद्धांत, D-O-C-T-R-I-N-E, doctrine, doctrine means होता है सिद्धांत. And doctrinal, okay, D-O-C-T-R-I-N-A-L, doctrinal means सिद्धांत संबंधित, okay, doctrine से क्या बनेगा सिद्धांत, और सिद्धांत से बनेगा सिद्धांत संबंधित, यानी doctrinal. Next, environment, environment को देखें, वातावरण, E-N-V-I-R-O-N-M-E-N-T, environment, environment से वातावरण. Next, environmental, परिस्थिति के अनुसार, परिस्थिति के अनुसार, E-N-V-I-R-O-N-M-E-N-T-A-L, environmental, परिस्थिति के अनुसार. Essence, E-S-S-E-N-C-E, essence, essence means तत्व या सार, E-S-S-E-N-C-E, essence means तत्व या सार. Next, essential, E-S-S-E-N-T-I-A-L, essential, आवश्यक या सारभूत, आवश्यक या सारभूत, तत्व या सार, essence means E-S-S-E-N-C-E, essence means तत्व या सार. And next, essential, essential means आवश्यक या सारभूत. Evidence, E-V-I-D-E-N-C, evidence means praman ya sakshi. Evident, E-V-I-D-E-N-T, evident means spast ya jahir. Iska matlab hua, evidence ka matlab praman ya sakshi. And next, evident ka matlab spast ya jahir. Next, hum log dekhenge, jahir bole to wo jahir, jaise koi chiz spast hai. Pure spast hai ki ye chiz hai hi. Okay, evident, like proved. Huh? Next, Excess, E-X-C-E-S-S, excess, excess means होता है अधिकता, अधिकता, okay. Next, excessive, जरूर, जरूरत से ज्यादा, excessive, E-X-C-E-S-S-I-V-E, excessive means जरूरत से ज्यादा. Next, excellence, E-X-C-E-L-L-E-N-C-E, excellence means होता है श्रेष्ठता या महानता, और excellence से बनेगा excellent, excellent, excellence से excellent, excellent means अति उत्तम. Excuse, E-X-C-U-S-E, excuse, excuse means बहाना या क्षमा, E-X-C-U-S-E, excuse means बहाना या क्षमा. Next, excusable, E-X-C-U-S-A-B-L-E, excusable means क्षमा, जो क्षमा किए जाने लायक. Next, हम लोग देखेंगे excuse, excuse मतलब बहाना या क्षमा, excusable जो क्षमा किए जाने लायक हो उसको excusable बोलेंगे. This is matter to excusable, okay, यानी कि यह जो matter है क्षमा करने लायक है ना, excusable, excuse से बना है. Next, existence, E-X-I-S-T-E-N-C-E, existence, existence का मतलब अस्तित्व, और अस्तित्व से बना existence, existence से बना existent, E-X-I-S-T-E-N
अति एग्जिस्टेंट, एग्जिस्टेंस से एग्जिस्टेंट वर्तमान या अति अस्तित्वात्मक है ना, अस्तित्वात्मक इसको बोलेंगे, अस्तित्व से बना अस्तित्वात्मक। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे एक्सप्लोजन, EXPLOSION, एक्सप्लोजन मीन्स विस्फोट। नेक्स्ट एक्सप्लोजन से बना एक्सप्लोसिव, विस्फोटक। एक्सप्लोजन मीन्स विस्फोट और एक्सप्लोसिव मतलब विस्फोटक। एक्सपेंस, EXPENSE, एक्सपेंस मीन्स खर्च। नेक्स्ट एक्सपेंसिव, खर्चीला या कीमती। एक्सपेंस से बना एक्सपेंसिव। एक्सपीरियंस, अनुभव। एक्सपीरियंस्ड, अनुभवी। EXPERIENCE, एक्सपीरियंस मीन्स अनुभव। एक्सपीरियंस्ड, EXPERIENCED, एक्सपीरियंस्ड मीन्स अनुभवी। फ्रेग्रेंस, FRAGRANCE, फ्रेग्रेंस मीन्स सुगंध या खुशबू। नेक्स्ट फ्रेग्रेंट, FRAGRANT, फ्रेग्रेंट मीन्स सुगंधित। नेक्स्ट फ्राइट, FRIGHT, फ्राइट, फ्राइट मतलब डर या भय। और फ्राइट से फिर फ्राइटफुल, FRIGHT, FUL, फ्राइटफुल भयंकर या डरावना। FOOL, फुल, फुल मीन्स मूर्ख। मूर्ख से बनेंगे फुलिस, फुल से फुलिस मूर्खतापूर्ण। नेक्स्ट फिक्शन, FICTION, फिक्शन मीन्स उपन्यास या काल्पनिक कथा। उपन्यास या काल्पनिक कथा को फिक्शन बोला जाता है। फिक्शन से बना फिक्टिटियस, FICTITIOUS, फिक्टिटियस मनगढ़ंत या काल्पनिक। फिक्शन का मतलब उपन्यास या काल्पनिक कथा, और जिससे बना फिक्टिटियस, FICTITIOUS, मनगढ़ंत या काल्पनिक। नेक्स्ट फेस्टिवल, फेस्टिवल मीन्स उत्सव या त्यौहार। और फेस्टिव से बना फेस्टिवल से बना फेस्टिव, FESTIVE, फेस्टिव आनंदमय या उत्सव संबंधित। फेस्टिव आनंदमय या उत्सव संबंधित। नेक्स्ट फेवरेट, FAVOURITE, फेवरेट, FAVOURITE, फेवरेट मीन्स बहुत प्रिय। और नेक्स्ट FAVOURITE, फेवरेट मीन्स एक और होता है समर्थक। फैशन, FASHION, फैशन, फैशन मीन्स होता है वेशभूषा की शैली या चलन। फैशन का मतलब होता है चलन या वेशभूषा की शैली। नेक्स्ट फैशन से क्या एडजेक्टिव बनेगा, फैशनेबल, FASHIONABLE, फैशनेबल चलन के अनुसार। नेक्स्ट फेट, FAT, फेट मीन्स होता है किस्मत या तकदीर, जिसको भाग्य बोलते हैं। फेट, FAT, फेट मीन्स किस्मत या तकदीर। नेक्स्ट फेटफुल, महत्वपूर्ण या निर्णायक। फेटफुल महत्वपूर्ण या निर्णायक। नेक्स्ट FATTY, फैट मीन्स वसा। और फैट का फिर होता है वसा का होता है फैडल, FATL, फैडल, फैडल मीन्स घातक। फैट मीन्स वसा और फैडल मीन्स घातक। नेक्स्ट फेम, FAME, फेम मीन्स कीर्ति या सुहरत। फेम, FAME, फेम, फेम मीन्स कीर्ति या सुहरत। फेम से बनेगा फेमस या फेम्ड, प्रसिद्ध या मशहूर। ठीक है, फैथ, FAITH, फैथ, FAITH, फैथ, फैथ मीन्स भरोसा। फाथ से बनेगा फाइथफुल, FAITH, FUL, फाइथफुल मीन्स वफादार। नेक्स्ट फेमिनिन, FEMINE, फेमेन, फेमेन का होगा अकाल या दुर्भिक्ष। हाँ, अकाल या दुर्भिक्ष। फेमिनिन से बनेगा फैमिस्ड, FAMISHED, फैमिस्ड मीन्स भूखा। अकाल या दुर्भिक्ष का विशेषण होगा भूखा, जिसको एडजेक्टिव इंग्लिश में बोलेंगे। फैक्ट, FACITY, फैक्ट मीन्स वास्तविकता, फैक्ट मीन्स वास्तविकता। नेक्स्ट फैक्चुअल, FACTUAL, फैक्चुअल मीन्स वास्तविक। गेन, GIN, गेन मीन्स लाभ, GIN, गेन, गेन मीन्स लाभ। और गेन से बनेगा गैनफुल, GINFUL, गैनफुल मीन्स लाभदायक। नेक्स्ट गैस, गैस से बनेगा गैसीय, गैसियस जिसको बोलेंगे, GASEOUS, गैसियस मीन्स गैसीय। ग्लैमर, GLAMOUR, ग्लैमर, ग्लैमर मीन्स आकर्षक या सुंदरता। ग्लैमरस, आकर्षक, ग्लैमर मीन्स आकर्षण या सुंदरता। आकर्षण या सुंदरता से बनेगा आकर्षक, जो कि ग्लैमर से बना ग्लैमरस। नेक्स्ट ग्लूम, GLOOM, ग्लूम, ग्लूम मीन्स धुंधलापन, एंड धुंधलापन से क्या बनेगा ग्लूमी, GLOOM, ग्लूम से बना ग्लूमी। ठीक है, ग्लूम, GLOOM, ग्लूम से धुंधलापन, और ग्लूमी से मलिन या अंधकार में। नेक्स्ट ग्लोरी, GLORY, ग्लोरी, ग्लोरी मीन्स ख्याति या नेक नामी या गौरव। ठीक है, नेक्स्ट ग्लोरी से बनेगा ग्लोरियस। यहाँ पे देखिएगा ग्लोरियस में वाई को हटाकर आई लिखा गया है ना, ये बात को ध्यान में रखना है। ग्लोरी से ग्लोरियस, GLORIOUS, ग्लोरियस, विख्यात या सम्मानपूर्ण। नेक्स्ट गॉड, गॉड मीन्स ईश्वर, और गुड लाइक, देवतुल्य या गॉडली, धर्मपरायण या शुद्ध। ठीक है, धर्मपरायण या शुद्ध, गॉडली, धर्मपरायण या शुद्ध। नेक्स्ट गोल्ड, गोल्ड मीन्स सोना, और गोल्डन मीन्स सुनहरी या उत्तम। ठीक है, गोल्ड मीन्स सोना, बट गोल्डन मीन्स सुनहरी या उत्तम। नेक्स्ट ग्रामर, GRAMMER, ग्रामर मीन्स होता है व्याकरण, और ग्रामेटिकल व्याकरण के नियमों के अनुसार, GRAMMATICAL, ग्रामेटिकल व्याकरण के नियमों के अनुसार।
Next, guarantee. GURANTEE. Guarantee. Guarantee means what? Jamanat. Next, guaranteed. GURANTEED. Guaranteed means what? क्या वो granted means जिम्मा लिया हुआ, okay? Grantee, यहाँ पे grantee का मतलब हुआ जमानत और guaranteed का मतलब हुआ जिम्मा लिया हुआ. Next, guess, GUESS, guess means अनुमान और guessable अनुमान के योग्य. GUESSABLE, guessable means अनुमान के योग्य. And next, gymnast, ठीक है? GYMNAST, gymnast. Gymnast का होता है पहलवान या कसरती. Next, gymnastic, GYMNAS. GIC, जिमनास्टिक में व्यायाम संबंधित. याद रखिएगा इसको जिमनास्ट पढ़ना है. GYMNAST, जिमनास्ट. पहलवान या कसरती और इसको जिमनास्टिक. GYMNASTIC, जिमनास्टिक में व्यायाम से संबंधित. तो देखिए आज यहीं पे लास्ट किया जाता है. फिर नेक्स्ट डे नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो. ओके बाय बाय. और अगर बनाई गई वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. ओके डियर्स. ओके बाय.